नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद के थाना उगैती क्षेत्र में मंदिर पर पूजा करने आई 50 वर्षीय महिला के साथ महंत व दो अन्य साथियों ने हैवानियत के साथ गैंग रेप कर दिया और उसके बाद हत्या कर दी गई। गैंग रेप कर हत्या में दिल दहलाने वाले वारदात में पुलिस की जमकर फजीहत हो रही है, जिसमें एसपी संकल्प शर्मा ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को निलंबित भी कर दिया है और इसकी जांच के लिए अब 4 टीम गठित कर दी गई है। पुलिस के लिए मुख्य आरोपी बापा सत्यनारायण की तलाश जारी है। इसी वारदात को सुनकर सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार आज बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पीड़िता से मिलने घर पहुंचे। उन्होंने हुई गैंगरेप जैसी वारदात को लेकर परिजनों से इसे दुख की घड़ी में उनका सहारा बांधने के साथ साथ उनका हालचाल जाना। मीडिया के माध्यम से उन्होंने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, योगी सरकार के जो भी वादे हैं सब झूठे साबित हो रहे हैं। अब देखना यह है कि विपक्ष राजनीति की रोटियां पकाने का काम करेगी या पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विपक्ष कोई आवाज उठाते हैं। अब देखना यह भी है कि सरकार द्वारा पीड़ित को वास्तविकता में न्याय दिलाने का काम करेगी या ऐसे ही भाजपा सरकार गैंगरेप हत्या व लूट जैसी घटनाओं में विपक्ष को हमला करने का मौका मिलता रहेगा। प्रशासनिक कार्रवाई संतुष्ट इस बारे में तो कुछ नहीं कहा पीड़ित परिवार, लेकिन इतना जरूर हमसे कहा कि हमारे बहनें हैं, उनकी शादी कैसे होगी, खर्चा कैसे चलेगा। हमने उनसे कहा है कि सरकार से हम मांग करेंगे कि मृतक का बेटा अकेला है, इंटर पास कर चुका है, उसको सरकारी नौकरी दी जाए। 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग हमने कल भी की थी और व्यक्तिगत रूप से हम ये कहकर आए हैं उनसे, उनके परिवार से, कि आरोपी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने में जितना भी पैसा खर्च होगा, ज़िले पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चाहे जो वो वकील करें, उसका सारा खर्चा मैं व्यक्तिगत रूप से दूंगा। अच्छा, क्या लग रहा है पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही रही और 18 घंटे के बाद पुलिस ने जो है सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा, इसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं? जब भाजपा कह रही है कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, उसके बावजूद पूरे प्रदेश में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही, ये तो मुझसे बेहतर आप लोग खुद जानते हैं। इसमें आपका फिर भी क्या उचित राय है, क्या आप दर्शकों को संतुष्ट करेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, यह दर्शक नहीं है, यहाँ सब वो लोग हैं जो इस पीड़ित परिवार से, इसके साथ जो घटना हुई परिवार पे, उसके साथ दुख में उसके साथ खड़े हैं, वो लोग यहाँ पे हैं और हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। फैसला तो कहीं ना कहीं 17 में सरकार ने, उस जनता ने गलत किया, उसका खामियाजा तो भुगतेगी। कार जो चाहती है वो होता है, हम भी सरकार में रहे हैं, सरकार का जो इशारा होता है अधिकारियों को तो वही करना पड़ता है। हम मेन जड़ पे कहने के आदि हैं, पंछियों पे कहलवाने से क्या। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।